अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमेज़न वाइन प्रोग्राम। अगर आप अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट को अभी लॉन्च किया है एंड यू आर लुकिंग फॉर सम रिव्यूज़, तो रिव्यूज़ की इंपॉर्टेंस को कोई बंदा भी नहीं झुटला सकता। जितने अच्छे और ज़्यादा रिव्यूज़ तो आपकी लिस्टिंग पे होते हैं, उतना ही ज़्यादा कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो आपसे परचेज करता है। तो एज अ न्यू सेलर हमें रिव्यूज़ जो हैं वो अमेज़न इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और वो आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है कस्टमर से रिव्यूज़ गेन करने के लिए। उसमें कुछ पेड तरीके भी हैं, कुछ अनपेड भी हैं, हम दोनों पे बात करेंगे। जो पेड तरीका है अमेज़न का, वो अमेज़न वाइन प्रोग्राम है। सो इफ़ यू आर अ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर, ठीक है, आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवाई हुई है, आपका अमेज़न का प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है आपका, सही है, तो अमेज़न आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अमेज़न के वाइन प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो। वाइन प्रोग्राम क्या होता है जी, कि अमेज़न के पास अलॉट ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो अमेज़न से फ्री प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं। तो अमेज़न आपको कहता है जी कि मुझे अपनी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दो, मैं अपने कस्टमर को दूंगा और वो आगे से आपको ऑनेस्ट रिव्यू देगा। तो ये जो अमेज़न का प्रोग्राम है, इसमें अमेज़न $250 आपसे चार्ज करता है, $250 चार्ज करेगा और आपको बोलेगा जी के जो है अपनी प्रोडक्ट्स दे दो। कम से कम एक प्रोडक्ट आप दे सकते हो गिव अवे, तो आपको एक ही रिव्यू मिलेगा, ठीक है, और मैक्सिमम आप 30 दे सकते हो। तो लाजमी नहीं कि 30 दोगे, 30 रिव्यूज भी मिलेंगे। अमेज़न सिर्फ कस्टमर को चेयर्स करेगा, कस्टमर की मर्जी है वो रिव्यू दे या ना दे, या वो ऑनेस्ट रिव्यू दे या वो आपको बैड रिव्यू दे, जैसा उसका एक्सपीरियंस होगा आपकी प्रोडक्ट के साथ। तो लेट से मुझे, मैं अमेज़न के जो है वाइन प्रोग्राम में इनरोल करना चाहता हूँ, तो $250 अमेज़न को पे करूंगा प्लस जो भी मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है। 10 मैं प्रोडक्ट्स अगर इनरोल करना चाहता हूँ, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 30, तो उनकी प्राइस जो है वो मुझे नहीं मिलेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप अमेज़न पे ब्रांड रजिस्टर्ड होने चाहिए हो, आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान से सेलिंग कर रहे हो, आप कम से कम जो है आपकी लिस्टिंग पे 30 से कम रिव्यूज होने चाहिए और मिनिमम 0, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 30 यूनिट्स आप इनरोल कर सकते हो। आपकी प्रोडक्ट की कंडीशन न्यू होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह मौजूद हो। इनरोल कैसे किया जाता है, सेलर सेंट्रल में आपके पास एडवर्टाइजिंग में वाइन का ऑप्शन आ रहा होता है। आप वाइन में जाते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है जी इंटर एसिन, जो भी एसिन आपने पुट करना होता है यहाँ पे आप एसिन पुट करते हो और बिगिन इनरोलमेंट पे क्लिक कर देते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे इन्वेंट्री में जाता हूँ और कोई एसिन अपना कॉपी करके डालता हूँ, ठीक है, वो बोलेगा कि आप एलिजिबल नहीं हो। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि मेरे ऑलरेडी 30+ रिव्यूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे आके पास आ रहा, ठीक है, मैं इनरोल पे क्लिक करूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, $200 फीस है इसकी, 250 होती थी पहले, अब $200 अमेज़न चार्ज कर रहा है, ठीक है। यूनिट्स टू इनरोल, कितने यूनिट्स मैं इनरोल करना चाहता हूँ यहाँ पुट कर दूंगा, मैक्सिमम 30 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आप कर सकते। और अवेलेबल 109 है मेरे, ठीक है, इस लिस्टिंग पे अगर मेरे पास रिव्यूज हैं, लेट से मैं ओपन करके देख लेता हूँ, इस लिस्टिंग के मेरे पास जो है एक रिव्यू है, ठीक है, तो ये इनरोलमेंट के लिए जो है वो एलिजिबल है। मैंने जस्ट यहाँ पे इनरोल करना है तो ये इनरोल हो जाएगा और अमेज़न $200 की फीस मुझसे चार्ज कर लेगा। दिस इज कॉल्ड अमेज़न वाइन प्रोग्राम, जिसमें $250 आप अमेज़न को पे करोगे। ओके, दूसरा जो आगे पास ऑप्शन होता है वो होता है फ्री रिव्यूज का, उसमें आप ऑर्डर्स में जाके मैनेज ऑर्डर्स में जाते हो और कस्टमर्स को चेज करते हो। कस्टमर से कैसे चेज किया जाता है, मैं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे सामने ये ऑर्डर्स हैं जिन लोगों ने मुझसे परचेज किए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ कि लास्ट 30 डेज के ऑर्डर्स दिखा दो, तो यहाँ पे वो सारे ऑर्डर्स हैं जो मुझे आए हैं। अब लेट से मैंने इस बंदे को रिव्यू की रिक्वेस्ट करनी है, मैं सिंपल इसकी ऑर्डर आईडी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसकी ऑर्डर डिटेल्स मेरे सामने आ गई है, इसका नाम, इसने कौन सी प्रोडक्ट खरीदी है, कितने खरीदी है, कितना इसको टैक्स पड़ा है, कितनी क्वांटिटी इसने खरीदी है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। नाउ आई वांट टू रिक्वेस्ट अ रिव्यू, तो मैं रिक्वेस्ट अ रिव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंपल मैंने कंफर्म करना है, तो मेरी तरफ से रिव्यू की रिक्वेस्ट इस बंदे को चली जाएगी। कहता यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड अ रिव्यू फॉर दिस ऑर्डर, कहता हम ऑलरेडी जो है रिव्यू की रिक्वेस्ट कर चुके हैं। आप यस करते हो यहाँ से तो अमेज़न की तरफ से रिव्यू की रिक्वेस्ट चली जाती है कि आपने अमेज़न पे हमारे सेलर से परचेजिंग की है, काइंडली अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे दें इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये आपका होता है कि आप ऑर्डर्स में जाके, मैनेज ऑर्डर्स में जाके कस्टमर को, जब आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है उसके 2 से 3 दिन बाद आप जो है कस्टमर को जो है, या मैक्स 1 वीक की भी होती है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ होता है, मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आप रिव्यू की रिक्वेस्ट आई गेस डिलीवरी के 4 डेज के बाद कर सकते हो और मैक्सिमम 30 डेज के अंदर अंदर कर सकते हो। जो कस्टमर जो रिव्यू देगा वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर जो है वो आ जाएगा। तो ये 2 तरीके होते हैं अमेज़न पे रिव्यूज बिल्ड करने के। इसके अलावा कुछ लोग फेक तरीके से भी करते हैं, लिस्टिंग प्रमोटर भी कहते हैं उनको,
और जो ये सर्विसेज देते हैं, और प्रॉक्सी मार्केटर भी कहा जाता है। चीज़ें सेम ही हैं, नाम डिफरेंट है, दोनों का काम होता है कि आपको बायर्स देते हैं आप, जिनको आप फ्री यूनिट्स देते हो, और इन द रिटर्न वो आपको जो है वो रिव्यू दे देते हैं, और जो लिस्टिंग प्रमोटर होता है वो आपसे कमीशन चार्ज कर लेता है पर रिव्यू का। तो ये दो तीन तरीके होते हैं लिस्टिंग पे रिव्यू बिल्ड करने के। आप वाइन भी कर सकते हो, अगर आपको अपनी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है कि इस पे आपको पॉजिटिव रिव्यू ही मिलेंगे तो आप वाइन में चले जाओ, इफ यू आर अ ब्रांड रजिस्टर्ड। अदरवाइज कीप चेजिंग योर कस्टमर वेन एवर यू गेट एन ऑर्डर, उनको रिक्वेस्ट करो ताकि वो आप लोगों को रिव्यू दें। जितने अच्छे रिव्यूज आते हैं उतनी अच्छी रैंकिंग भी होती है कस्टमर की, आपके ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपका जो सेलिंग एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। अपना ख्याल रखिएगा, बस एक क्लास हमारी रह गई है, वो हम कंप्लीट करके होलसेल एफबीए स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।